मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत अंतर्गत दुर्गापट्टी गांव में एमएलसी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय मुखिया सुरेश कामत ने किया, जबकि संचालन मधवापुर सरपंच सह सरपंच संघ के अध्यक्ष बलराम झा ने किया। कार्यक्रम में एमएलसी सुमन कुमार महासेठ के द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जन प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ताओं को शॉल और माला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निर्दलीय उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में वोट कर जिताने का अपील किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की गई। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि हमने एमएलसी रहते हुए जनप्रतिनिधियों के हक हुकूम के प्रति सजगता के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया है। जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए सदैव खड़ा रहकर हक अधिकार दिलाया है। खासकर किसी को भी जब भी हमारी जरूरत पड़ी और मदद मांगी, हमने खुद आगे आकर उनकी समस्या का समाधान किया है। इसलिए आगे भी आपकी सेवा और अधिकार के लिए तत्परिये रहूंगा। वहीं कीर्तन प्रसाद ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आज के समय में जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल रहा है। जिस तरह केंद्र और राज्य में सरकारें काम करती है, बजट बनाती है और उन्हें वेतन भत्ता मिलता है, उसी तरह पंचायत सरकार में भी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना लेकर सुमन कुमार महासेठ को अपना एक एक मत देकर विजयी बनावे और ग्राम पंचायत को मजबूत करें। कार्यक्रम में कीर्तन प्रसाद, मधवापुर मुखिया राजेश शाह, बलवा मुखिया शंभू पासवान, प्रशांत सिंह, पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह, सुरेंद्र महतो, नागेंद्र ठाकुर, अमर ज्योति, देवानंद मिश्र सुमन, शिवजी मंडल, डिंपू मंडल, शिवजी मंडल मोहम्मद हुसैन, निखिल झा, दिगंबर महतो, अशोक भगत, राम नरेश चौधरी, भरत चौधरी, नंद किशोर शाह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शत्रुघ्न शाह, बद्री नारायण शाह समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कि मालूम है कि 4 अप्रैल के चुनाव होने वाला है। जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायती प्रतिनिधि थी, उनकर वोट से एक एमएलसी के माननीय विधान पार्षद के चुनाव करे के है। ये चुनाव बहुत माने में पंचायती राज के व्यवस्था के बताबे के काम करे के आगे पंचायती राज व्यवस्था की है। अला की अहा के चुनाव से एक जे विधान परिषद के चुनाव हो के है, ओकर महत्ता के समझे पड़त। वोट गिराना है, एक मुखिया के भी वोट गिराबे छे गांव के विकास के लिए, एक हम विधायक के भी वोट गिराबे छे पूरा विधानसभा के विकास के लिए, एक हम सांसद के चुनाव वोट गिराबे छे पूरा क्षेत्र के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। लेकिन ई चुनाव मुख्यतः जो फोकस है वहां के जनप्रतिनिधि के सम्मान और मान के बढ़ावे के लिए। एक विधानसभा में लगभग 3 लाख मतदाता के द्वारा एक विधायक चुनल जाए है। एक लोकसभा में लगभग 20 लाख मतदाता के द्वारा एक सांसद चुनल जा रहा है। लेकिन पूरे बिहार के 24 प्रतिनिधि के चुनाव के पूरा मतदाता 1,25,000 मतदाता के द्वारा 24 के प्रतिनिधि के चुनाव जा रहा है। जैसे अपन मधुबनी जिला के लगभग 6400 प्रतिनिधि के द्वारा एक वो जनप्रतिनिधि के विधान परिषद के चुनाव है। आगे एक महत्व के यहाँ के समझे पड़त कि पंचायती राज में जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई छे उसमें पंचायती राज के मतलब छे गांव के सरकार, गांव के विकास, गांव के सरकार के माध्यम से। लेकिन आजादी के बाद से लगातार पंचायती राज के कमजोर करे के काम के पंडित चल रहा छल और 1975 में आते आते कांग्रेस के कुशासन के समय में पंचायती राज के चुनाव के स्थगित कर दल गया छल। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनलखिन और जब 2000 में बनलखिन और कहलखिन कि नहीं हम पंचायती राज व्यवस्था के हम दुरुस्त करब, तब वही समय के बिहार के सरकार नहीं चाहे छले कि हम पंचायती राज के चुनाव यहाँ होंगे बिहार में। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहलखिन कि अब अगर अहाँ चुनाव नहीं कराए तो अहाँ के विकास के फंड रोक दिल जाए। 2001 में पंचायती राज के चुनाव भेल
और तरह से लगातार पंचायती राज के व्यवस्था के मजबूत करने के लिए लगातार आके सरकार के द्वारा कोशिश कर चल रहा है। हम बहुत लंबा बात नहीं करब, लेकिन जब 2015 में जब हम चुनाव लड़े आएंगे वही समय में हमारा चौहत्ती मधुबनी जिला के नहीं मालूम छा कि कौन कोना में मधुबापुर है और कौन कोना में फुलपरास मधुबा महादेव मठ है, लेकिन वही समय के सब आहार सब जन के प्रतिनिधि चली और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरा पूरा उत्साह में आकर के लगभग 2000 वोट माने रखे, जे पिछला बेर 2 बेर जे जीतले है ओकरा 2000 वोट मिलबो नहीं करले छले, पिछला 2 बेर जे प्रतिनिधि जीतल छले ओकरा 2000 वोट मिलो नहीं छले, हम 2000 वोट जीतलियै तो आप सोच सके छी कि जनता में हमारा प्रति की आकांक्षा छल। हम कोशिश करलियै कि लगातार 6 साल तक जनता के बीच में जे भी कम्युनिकेशन गैप है जे जनप्रतिनिधि के समस्या आवे है वही जनप्रतिनिधि के समस्या के केना निराकरण करल जाए। जब 2016 के प्रथम सत्र में जब हमारा भाषण दे के मौका लगल यहाँ मार्च महीना में तो जनप्रति के वो सबसे बड़ा समस्या जे छल जे आज भी यहाँ सब झेल रहल छी, लेकिन आवे वाल रुक जाइए 2 मिनट रे व्यवस्था के सुदृढ़ करे के लिए संवैधानिक व्यवस्था भेल छल वो आज तक लागू नहीं भेल, लेकिन हम वही पहला सत्र में जब हम आवाज के उठेलिए तो वही समय के बिहार के बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी जी हमारा बुलाकर पीठ ठोकला कि सुमन जी आपको कमाल कर दिए, हमको पिछले 2 सत्र में रहे थे आप इतना महत्वपूर्ण विषय को किसी ने नहीं उठाया था, आप कहां से इतना कम समय में अध्ययन किए तो बताइए। जे संविधान में अपना सबके व्यवस्था है जना यहाँ के पूरा मधुबनी जिला के 50 लाख जनता के प्रतिनिधित्व अगर कोई करे है एक DM प्रशासनिक पदाधिकारी करे है, और वही प्रशासनिक जब भी यहाँ सबके भी कोई समस्या आवे है तो वह DM के पास जाए से सब प्रतिनिधिगण की वह समस्या के समाधान करे के फुर्सत नहीं ना प्राथमिकता पे है कि जनप्रतिनिधि के समस्या हम पहले करब या जनता के समस्या पहले तय करब, एक कोई प्राथमिकता तय नहीं है। कभी कभी हम लोग सबके जब कोई काम पड़े जनता के प्रति के समस्या के जब DM आ जाए छे तो DM बैठे है बात करे है लेकिन समस्या के समाधान कोना होए वाले फुर्सत नहीं है, क्योंकि लगा 50 लाख जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन देख अपन पंचायती राज में व्यवस्था भेल छल कि हमारे मधुबनी जिला के जे जनप्रतिनिधि छथिन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि ओहिमे हम सब भी आ जाए छे जे MLA MP मेम्बरशिप सब आ जाए है मुखिया सहित पंचायत समिति सहित सबके ओहिमे गिनती हुई है ओकरा लेल एगो लोकायुक्त के बहाली करे के छलै जिला में जे संविधान में देल अधिकार है, लेकिन आज तक कोई भी सदन के नहीं उठायल छल। जब हम 16 में उठेली और लगातार हरेक सत्र में हमें भक्त के बहाली के बात करे छे वही समय में अब हमारा सबके आशा जग गया है कि अगला सत्र में मतलब मार्च के बाद प्रत्येक जिला में सरकार घोषणा कर रहे है कि हम लोकायुक्त के बहाली करब, ये निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के सम्मान के लिए सबसे बड़ा कदम होता है, क्योंकि यहाँ के समस्या जब कोनो आए केना मुखिया जिलन कोनो समस्या आवे है तो जाए है प्रमुख जिलन प्रमुख जिला पूरा समस्या नहीं कमरे है तो चाहे जिला पार्षद जिला और जिला सरकार के पास जब कोई समस्या नहीं आ रहे है तो कब तक जेथिन ओकरा जिला में लोकायुक्त के जब बैठ देते है तो 6500 प्रतिनिधि के बहुआ में नहीं पड़ते, DM के दरवाजा पर नहीं जाए पड़ते, SDO के दरवाजा पर नहीं जाए पड़ते, BDO के दरवाजा पर नहीं जाए पड़ते, आज सीधे जो है लोकायुक्त के यहाँ जाकर के अपन समस्या के बताए तो 6500 प्रतिनिधि के समस्या के सुनने वाला एक IAS आयुक्त मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द हुए है कमिश्नर, और वही कमिश्नर के पास जेबे कहा के समस्या के समाधान जो DM से ज्यादा बड़ा पदाधिकारी आके समस्या के समाधान करत तो बुझियो कि पंचायती राज के प्रति के कितने बड़का सम्मान घटत है। हम जब चुनाव में घूम रहा छी तो प्रतिनिधि सबके एगो बड़का शिकायत छे कि हमारा सबके विकास में कोनो योगदान नहीं भ रहा है, हमारे सबके विकास के योजना BDO जी बनाबे छथिन, हमारे विकास के योजना विधायक जी बनाबे छथिन, हमारे विकास के योजना सांसद जी बनाबे छथिन, लेकिन जे हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि छी विकास के योजना नहीं बना पाबे छी, कारण कि वही समय में आके फंडो बहुत कम छले। 15 में जब हम घूम रहा चली तो मुखियो जी कह चले कि हमारा सबके पूरा 5 साल में 50 लाख रुपया नहीं भेटे है और इतने बड़ा ग्रामीण पिछड़ा क्षेत्र है तो विकास केना होते है, और लेल लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अपन नेता के द्वारा जब हम सब सदन में या विधायक दल के बैठक में बात करे छे तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा
पंचायती राज के सुदृढ़ करने के लिए आगे प्रत्येक वर्ष कम से कम हमारा लगे पिछला सत्र में जब किया होगा कि 5 करोड़ में 5 करोड़ रुपया से कम से विकास के फंड नहीं दिए गए। साथ ही साथ मनरेगा के भी जे पंचायत के प्रतिनिधि छी, पंचायत समिति के लोग छी, मनरेगा से यहाँ के काम रोक दे गए। जे आज जिला पार्षद के सदस्य छी, पंचायत के आके जिला पार्षद से आके मनरेगा से काट के रोक दे गए। ओकरो आवाज हम सरकार में उठा करके और पंचायत समिति के सदस्य के और जिला पार्षद के कई समस्या के अधिकार देने की मनरेगा में अनुशंसा कर सके। लगातार संघर्ष के माध्यम से ये सबसे बाद में जो विषय आवे है उसमें मासिक भत्ता के सवाल छे, 200 रुपया भत्ता मिले छे उस समय में, और वो भत्ता के बारे में सब कह चुके कि हमारा 12 महीना के नहीं मिले। अभी वो दिन गिर चले तरैया में, हमारा अभी तक 12 महीना के कोई समय के बाकी है। अभी कुछ लोग के बाकी भग रहे लेकिन वो टेक्निकल कारण से भेद है, सबके पेमेंट देते हैं, लेकिन वही समय के 12 महीना के जो भत्ता बाकी है आज तक वो अपलोड नहीं भर पहले, और अभी के जो पिछला सत्र के जो भत्ता बाकी है आने वाला समय में आके अकाउंट में डायरेक्ट जिला के द्वारा, पहले वीडियो के द्वारा जाए सर, अब जिला के द्वारा आके जो है भत्ता आके अकाउंट में जाए। साथ ही साथ भत्ता बढ़े एक लगातार हम सब वहां तक गूगल से अगर जुड़ल छी तो विधान परिषद के कार्रवाई में सुमन महासेठ के भाषण जब खोजब तो लगातार कोनो एहन सत्र नहीं होते जैमे स्थायी पेंशन और भत्ता के बात हम सब नहीं उठे हो, और बात होकर सरकार अभी चुनाव से पहले नवंबर में जब हम नेता से मिले चलिए पंचायती राज नेता से तो कहलखिन कि यहाँ के अप्रैल से पूरा पंचायती राज के तीनों प्रतिनिधि मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि के हम अपन भत्ता दुगुना करबे ये आश्वासन दे छथिन जे यहाँ के समस्या आवे। लेकिन संघर्ष अभी हम तक छोड़ लिए नहीं है, अभी मुखिया जी सब हमारा नहीं बताएगा। सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित कार्यकर्ता एवं नेतागण, मैं सुमन जी के साथ है। आज ये 5वां प्रखंड है बासुपट्टी, अरलाखे, जयनगर और नदनिया, इन चारों प्रखंड में ये जितने हमारे नेता हैं प्रखंड स्तरीय पंचायत के जितने भी नेता हैं सभी नेताओं का प्रखंड वाइज सम्मान समारोह में मैं इनके साथ है हूँ। और मुझे लगा कि सुमन जी की जीत कार्यकर्ताओं के दिल में, कार्यकर्ताओं के मन में और प्रतिनिधि नेताओं के मन में पूर्ण रूपेण स्थापित हो गया है, बैठ गया। लेकिन जब तक आपको चुनाव में सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तब तक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को युद्ध में हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, उसमें एक क्षण भी किसी भी दृष्टिकोण से अपनी नजर को, अपने दृष्टिकोण को चुनाव से अलग नहीं रखना पड़ेगा, और मात्र 10 दिनों का समय है। तो मित्रों, मैं 2-3 बात अति संक्षेप में आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। 2001 से ग्राम पंचायत राज का विधिवत चुनाव आरंभ हुआ है और आज 2022 है, तो कहने का अर्थ है कि 22 वर्षों का उम्र इस ग्राम पंचायती राज को प्राप्त हुआ है, और यह ग्राम पंचायती राज को संविधान सम्मत मान्यता भी मिली हुई है। जिस प्रकार से एमएलए आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।